उधर बस दोस्तों के साथ गया था, उन्होंने बोले बस एक शर्त एक बात पर आ गया, तो उन्होंने लगाया, मैं उनके साथ गया, मुझे ये पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। मैं उधर बैठा था, उधर पे बैठा था दोस्तों के साथ, एक बस शर्त सा लगा हुआ था, बस दोस्त में आया, बस दोस्ती में बस ऐसा बात आ गया। तो बस जब मैं हमें पता ही नहीं था, टिकटॉक बना रहे ना, हमें बोले टिकटॉक बना रहे, तो हम बस दोस्त है, बस मैं पता बस मैं टिकटॉक बनाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक वीडियो वायरल है जो की है डी चौक से और कंटेनर से एक शख्स के गिरने की जो है वो वीडियो वायरल हुई है, और इस वीडियो की जो हकीकत है वो मैं आज के इस व्लॉग में जो है वो आपके सामने रखूंगा, उस शख्स से भी मिलवाऊंगा, उस शख्स की बात जो है वो सुनवाऊंगा कि वो क्या कहता है। एक वीडियो वायरल हुई हुई है इस वक्त सोशल मीडिया पर, और उस वीडियो को लेकर जो है वो काफी प्रोपेगंडा जो है वो किया जा रहा है। और हम जैसे जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, हम क्या करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, हम तहकीक करते हैं, स्टोरी को जो है वो निकाल कर लेकर आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। और जो वीडियो ये वायरल है, जो काफी लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये शख्स जो एक शख्स नमाज अदा कर रहा था और वहां पर जो है वो रेंजर्स एहलकार पहुंचते हैं और उन्होंने उस शख्स को जो है वहां से वो धक्का दे दिया, जबकि सारी इसके पीछे की जो असल कहानी है, असल जो हकीकत है, वो मैं आज के इस व्लॉग में जो है वो आपके सामने रखूंगा। और बस चंद ही लम्हों में मैं आपको सबसे पहले जो है वो उस शख्स की जो उसका जो इंटरव्यू है वो सुनाऊंगा कि वो कहता क्या है, उसने क्या किया ये शख्स। मैं थोड़ा सी आपको डिटेल बताऊं कि बेसिकली ये शख्स जो है वहां पर कंटेनर पर चढ़ा हुआ था और वहां पर मौजूद था, और वहां पर ये अपना टिकटॉक बना रहा था। इससे कई बार जो है वो वहां पर जो ड्यूटी पे मामूर एहलकार थे, उन्होंने इससे कहा कि तुम उतर जाओ यहां से, फौरी तौर पे उतर जाओ, लेकिन ये शख्स जो है वो बाजिद रहा और अपनी टिकटॉक वीडियो बनाता रहा, और फिर इसका ये बयान सामने आ चुका है। सबसे पहले ये आप बयान सुने, उसके बाद जो है वो तफसील में हम जाकर बात करेंगे और तमाम डिटेल्स आपके साथ मजीद जो है वो शेयर करेंगे और कुछ अहम इंकशाफात करेंगे। मैं उधर बस दोस्तों के साथ गया था, उन्होंने बोले बस एक शर्त एक बात पर आ गया, तो उन्होंने लगाया, मैं उनके साथ गया, मुझे ये पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। मैं उधर बैठा था दोस्तों के साथ, एक बस शर्त सा लगा हुआ था, बस दोस्त में आया, बस दोस्ती में बस ऐसा बात आ गया। तो बस जब मैं था हमें पता ही नहीं था, उन्होंने बोले टिकटॉक बना रहे ना, हमें बोले उन्होंने टिकटॉक बना रहे, तो हम बस दोस्त है, बस मैं पता बस मैं टिकटॉक बनाने के लिए मना किया कि नहीं ये काम, तो बस हमें पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे उतारा नीचे, बस तो नीचे मैं गिरा, तो मुझे फिर बस पट्टी मट्टी कराया, लेकिन ये जो भी कर रही काम गलत है, काम किया यार। ये बहुत गलत हुआ है वैसे जी सर जी, और ये बहुत गलत काम है, ये कभी नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। शर्त लगाने के लिए आपने पूरा गलत काम, बहुत गलत काम किया मैंने, सब अपने आप को भी नुकसान दिया और लोगों को भी मिल गया होगा, ऐसे बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए, ये गलती है, मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसे आपको हाथ दिखाओ अपना, तो बस मुझे मेरा उंगली पट्टी करा दिया था, उन्होंने पट्टी वट्टी करा दिया, और बस देखो उनको आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाया। नहीं जी नहीं, आपने आवाज सुनी, आपको पता चला कि ये शख्स जो है वो क्या कह रहा है, और ये शख्स जो है वहां पर टिकटॉक जो है वो बना रहा था। तो नाज़रीन सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ, सबसे पहले हम अपनी सहाफत से शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं उनके कुछ कामों पे बात करेंगे। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वो बेसिकली, अफसोस ये है कि होती ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो हमारा मीडिया है वो क्या करता है, हमारे यहाँ होता ये है कि एक जिस खबर पे देखा जाता है कि ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, बस उसी खबर के पीछे पड़ जाते हैं, अपने व्यूज़ के चक्कर के अंदर ये भूल जाते हैं कि आपने असल चेहरा, असल हकायक जो है वो आवाम तक पहुँचाने हैं। बाज़ूकात क्या होता है कि हमारे कुछ सहाफ़ी जो हैं, सारे नहीं मैं कहूँगा, चंद की बात करूँगा, कि वो अपने व्यूज़ के चक्कर में उनको बस ये होता है कि उनको ये नहीं, वो देखते हैं कि इस खबर में हकीकत क्या है, इस खबर की सच्चाई क्या है, वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, बस वो अपने व्यूज़ के चक्कर में देख रहे होते हैं कि व्यूअरशिप कहाँ से मिल रही है, बस उसको जो है वो वीडियो डाल दो, बस वहाँ इतनी तादाद में अगर इस पार्टी के लोग देखने वाले हैं, इतने पार्टी के लोग जो है वो हमें व्यूज़ मिल जाएंगे, तो बस उसी की जो है वो खबरें बनाई रखें। हमारे यहाँ वो क्या रहा है, पिछले कुछ अरसे से कुछ साफ़ी हजरात जो हैं वो हमारे, और सियासी जमातों पे आगे चल के बात करते हैं कि सियासी जमातों की क्या वो जिम्मेदारी है और वो क्या इंतजाम जो हैं वो उनको करने चाहिए। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम लोग ये देखते हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि उस टॉपिक पर बात की जाए, वो स्टोरी की जाए,
ताकि हमें व्यूज मिलें, हमें ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमा सकें, एक तो ये चीज आ गई, या फिर हमें ज्यादा से ज्यादा शोहरत मिले। ठीक है, हम लोग जो असल जो जर्नलिज्म है वो सॉरी हम लोग कर ही नहीं रहे, हम लोग असल जो सहाफत की तरफ से जो है वो हट चुके हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहां से हमें व्यूअरशिप मिलती है हम बस वही करते हैं, और चंद एक वो लोग हैं, लोग भी उन्हीं को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जो लोग सुनना पसंद करते हैं हम लोग उन्हें वो दिखाना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चंद एक जर्नलिस्ट हैं वो वही दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या है जी कि हम वो मसाले वाली बातें करेंगे, कुछ लोग देखेंगे किसी भी जमात की, अगर किसी को लगता है कि पीपल्स पार्टी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के इतने लोग हैं रोजाना जो है वो इतने पार्टी के लोग जो उन्हें देखते हैं, वो जो वर्कर्स हैं वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इतने ज्यादा व्यूज जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। तरीके इंसाफ है, उनके जो है वर्कर्स जो हैं वो इतने तादाद में हैं तो जी हमें वो देखेंगे, तो हमें जो है उनकी एक फैन फॉलोइंग है, तो हमें जो है वो हम उनके टॉपिक पे बात करेंगे, उनके लिए जो उनकी जो वो चाह रहे हैं, जो उनकी लोग सुनना चाह रहे हैं उस पर बात करेंगे, तो हमें व्यूज मिलेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, या कोई भी जमात हो, मैं सारी जमातों का जिक्र इसलिए किया है। मसला ये है कि सबसे पहले तो जिम्मेदारी हमारी तमाम सियासी जमातों पर है। हमने देखें, मैंने मुझे ये 17वां साल है, 16 साल गुजर गए सहाफत करते हुए, 16 साल मैंने बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनमें काम किया है, किसी छोटे चैनल में काम नहीं किया। हमने बहुत सारे एहतजाज कवर किए हैं, हमने बहुत सारे लॉन्ग मार्च कवर किए हैं, हमने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, हमने बहुत कुछ किया। हमारे यहाँ क्या होता है, किस्मत से जो सियासी जमातें हैं उनमें ये सबसे बड़ा मतलब एक इशू है कि हमारे यहाँ सियासी जमातों में हम जो अपने वर्कर्स हैं उनकी तरबियत करते ही नहीं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपने अपने मफादात के लिए। तमाम सियासी जमातों की मैं बात करूँ, किसी एक सियासी जमात की नहीं, हर सियासी जमात जो है वो अपने वर्कर्स को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, हम आवाम को किसी भी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल नहीं होना है, हमने अपने राइट्स की बात करनी। हाँ, जो भी आपको लीडर अच्छा लगता है, जो भी आपका रहनुमा है, आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको वोट करें, या आपका हक रायदेही जो है वो आप आज़ाद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इलाक को नुकसान पहुंचाएं, अपने शहरियों को नुकसान पहुंचाएं, आप अगर कोई भी सियासी जमात, मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक वर्कर की बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हम मुस्तकबिल में जो हो गया उसको छोड़ें, हम आगे हमने क्या करना है उसके ऊपर बात करें। हमने कानून को हाथ में नहीं लेना। देखें, फौज हमारी, इदारे हमारे, पुलिस हमारी, रियासत हमारी, और अवाम हमारी, आम पब्लिक हमारी, सियासतदान हमारे, हमने ये मुल्क हमारा घर है, हमने इस घर में रहना है, अपने मुल्क को तोड़ना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात हम करें, यहाँ पे सियासी जमातों, इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया तो जाहिर सी बात है कवरेज करता है, लेकिन हमारे चंद एक ऐसे मतलब अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इंडियन मीडिया जो है वो कुछ और अंदाज में दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यार देखें, पहले फलाना निकला एहतजाज पर, फिर फलाना निकला। मेरी बात सुने, एहतजाज पूरी दुनिया में होते हैं, हर जगह पर एहतजाज किए जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ की जो आम पब्लिक है वो अपने फौज से प्यार नहीं करती, अपने इदारों से प्यार नहीं करती, या फिर वो अपने मुल्क को नहीं चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब पाकिस्तानी और अपने मुल्क से बेतहा मोहब्बत करते हैं, अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, अपनी आवाम से मोहब्बत करते हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं थोड़ा उनको भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी होगी, उन्हें थोड़ा सा जिनको नहीं आती तो उन्हें सीखना होगा। देखें, खबर आती है उसको एक एंगल से मत देखें, खबर आगे ब्रेकिंग के चक्कर में ना पड़े कि यार ये वाक्य हो गया बस फौरन, आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वेट करें उसमें दोनों। और मतलब जर्नलिज्म होती भी यही है कि आप वंस एक तरफ का मौकफ नहीं देते, आप दोनों तरफ की बात करें, आप स्टोरी तब आपकी मुकम्मल होती है जब आप उसे कंप्लीट करते हैं दोनों तरफ का मौकफ लेके, स्टोरी तब आपकी कंप्लीट होती है जब आप असल हकायक दिखाते हैं, आप अपने तरफ से अपने ख्यालात अपने जज्बात ना दिखाएं, आप वो करें जो असल हकीकत है, आप दोनों का मौकफ लें फिर आप बात करें। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने आगाज में बताया कि बस एक ही चीज पे लगे कि एक पार्टी का हम क्या करते हैं, कोशिश ही नहीं करते कि हम दूसरी एक तरफ की हमें स्टोरी मिल गई, दूसरी तरफ जिस हम जाते ही नहीं है,
हमें जो अपने लिए अच्छा लगता है बस वो हमें लगता है बस ये ठीक है, जो हमें लग रहा है वो ठीक है या नहीं है, वो सच है या नहीं है, हम जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए हमने जो सहाफ़ी है, हम देखें, हमने आवाम तक बात पहुंचानी होती है, आवाम को दिखाना होता है, आवाम को बताना होता है। हम देखें, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे साथ बहुत सारे और जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो असल हकीकत है वो दिखाने की कोशिश करें। देखें, एक बात याद रखें, एक सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए। एक सहाफ़ी, कोई भी सहाफ़ी है, वो किसी जमात का झंडा लेके जो है वो अगर चल पड़े या वो गलत है। किसी भी जमात का, चाहे वो मुस्लिम नून है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, कोई भी जमात है, अगर याद रखें हमारा काम है न्यूट्रल होके खबर देना, हमारा काम है स्टोरी करना, स्टोरी फाइल करना, बस इतना सा हमारा काम है। फैसला अवाम का है, अवाम क्या कहती है, ठीक है, और हम वो स्टोरी करें, वो काम करें जो हमारे मुल्क की मफाद में हो। तो बहरहाल, इस स्टोरी से मुतल्लिक जो है, शख्स से मुतल्लिक, उस स्टोरी से मुतल्लिक जो है, वो अपनी राय का इजहार जो है वो करना मत भूलिएगा, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आप क्या कहते हैं तो ये मुझे कमेंट करें, और अच्छी करें बुरी करें, लेकिन अपनी राय का इजहार करना मत भूलिया करें। बहुत शुक्रिया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।